जय हिंद दोस्तों, इस साल हमने चाइना को 50,000 करोड़ का घाटा लगाया है और ये घाटा हमने सबने मिलकर लगाया है। और इस घाटे को हम ये समझ सकते हैं कि हमने हमारे जो वीर शहीद हुए हैं, जो चाइना वॉर में हुए हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि समझ सकते हैं कि हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। चाइना की रीढ़ की हड्डी हड्डी तोड़ी है हमने। चाइना हर साल हमसे लगभग 70,000 करोड़ का फेस्टिवल में व्यापार करता है। वो यहाँ से कच्चा माल ले जाता है और वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके मनमाने दाम में हमें बेचता है। इससे वो इकोनॉमिक पावर भी उसकी बढ़ रही है, तो उसको उस चीज़ का घमंड भी हो गया है कि मैं एक इकोनॉमिक पावर वाला बंदा हूँ या देश हूँ। शी जिनपिंग को कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है, इसीलिए वो आए दिन हमारे बॉर्डर पे भी घुसपैठ करता रहता है और कुछ ना कुछ करता रहता है। तो आइए समझते हैं कि हमने किस तरीके से चाइना को 50,000 करोड़ का घाटा दिया है। हर साल चाइना हमसे 70,000 करोड़ का मुनाफा कमाता है और इसी मुनाफे को वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए और अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में काम में लेता है, जिससे वो हम पे इकोनॉमिक प्रेशर भी डालता है। 15 जून 2020 को हमारे गलवान घाटी में एक हिंसा हुई थी, जिसमें सैन्य झड़प हुई थी, जिसके अंदर हमारे लगभग 20 जवान शहीद हुए थे। तभी से भारत की जनता में पूरा रोष आ गया चाइना के माल के खिलाफ और चाइना के खिलाफ, क्योंकि हम उन्हें एक कट्टर दुश्मन मानने लग गए हैं तब से ही। तो हमें ये समझ में आ गया कि चाइना हम पे किस तरीके से हुकूमत कर रहा है, तो इसीलिए हमने तभी से ही उन्हें घाटा देना शुरू कर दिया। 2019 में हमने लगभग चाइना को 48,000 करोड़ का घाटा दिया और 2020 में हमने 40,000 करोड़ का घाटा दिया, और ये आंकड़ा आगे बढ़कर 2021 में फेस्टिवल के अंदर लगभग 50,000 करोड़ का हो गया। अब चाइना को इस घाटे से चाइना बौखला गया है और वो इधर उधर भागता फिर रहा है। 15 जून 2020 को हुई गलवान घाटी हिंसा और मोदी भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया लोकल फॉर वोकल अभियान या मेड इन इंडिया अभियान, तो इससे हमारे देश के जो आम व्यापारी है, जो यहाँ के व्यापारी है, उनको फायदा हो रहा है। और वो लगभग इस फेस्टिवल के अंदर 2021 की दिवाली के अंदर उनको 2,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अब ये 2,000 करोड़ हमारे देश का था और हमारे देश में रह गया, तो इससे हमें ही फायदा हुआ। अगर यहाँ से चाइना कमा के ले जाता तो हमें कोई फायदा नहीं होता। और ये चीज़ें यहाँ पे बनी तो ये हमें सस्ती भी मिली और हमारे बजट में भी थी। चाइना से महंगी आती और हमारा बजट भी बिगड़ जाता है चाइना की चीज़ों को खरीद के। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के जो प्रोडक्ट बने हुए हैं उसी को हम यूज़ करें तो बेटर होगा, और हमें चाइना को और बैकफुट पर धकेलने के लिए हम सब मिलकर, आर्मी तो बॉर्डर पर लड़ ही रही है लेकिन हम यहाँ पे मिलकर चाइना को बैकफुट पर डाल सकते हैं। क्योंकि चाइना यहाँ से कमाकर हर साल लगभग 100 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को लोन देता है, तो वो लोन भी पाकिस्तान किस तरीके से यूज में देता है वो आप सबको पता है। जम्मू कश्मीर के हालात आज कैसे हैं आपको पता है कि आए दिन हमारे जवान शहीद होते हैं और हमारे जो अमन और शांति वाला राज्य कहते हैं उसमें अशांति फैलाते हैं, और इधर चाइना बॉर्डर पे भी लगातार घुसपैठ करता रह रहा है। और अब अभी रिसेंटली में चाइना ने एक अपने संविधान में एक संशोधन किया है, जिसमें उसने बताया है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश उसका राज्य है और वो उसको किसी भी हालत में लेकर रहेगा। अगर हमें अरुणाचल प्रदेश को जाने से बचाना है तो हमें चाइना को बैकफुट पर लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया वाले चीज़ों को यूज करेंगे, तो हमें फ़ायदा होगा और हमारे देश का विकास होगा।